जी नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और आपको अभी दिखाते हैं हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की विरासत के रूप में हिमाचली धाम। तो आप देख रहे हैं कि ये जाहू में आयोजित हुई है पहाड़ी धाम और इसमें 95 जो ये सगले हैं जिसे बिल्टोही या आप इसे डिफरेंट टाइप के नाम से देते होंगे तो आपको दिखाएंगे। ये रात्रि के समय बननी शुरू हुई थी और लगातार इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू है। हमारे साथ है एक पंडित जी, क्या नाम है आपका जी? ये कितने सगले हैं, यानी कितने लोगों के लिए धाम है, कितने मन है और जो है कब से इसको बनाना शुरू किया जी? और बनता रहेगा, यानी 60 मन बता रहे थे इसमें कि 40 मन बना चुके हैं। अच्छा, अभी बताया जा रहा था कि कुल 10,000 लोग यहाँ खाना खा सकते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। तो ये देखिए 8,000 से 10,000 लोगों के लिए ये पहाड़ी धाम है और आप देखेंगे किस प्रकार से 95 जो ये बिल्टोही सगले जिसको नाम देते हैं। और बड़ी बात यह है, शुचिता है इसमें, पवित्रता है, ये पहाड़ की विरासत है, कल्चर है, वर्षों से सदियों से हिमाचल की संस्कृति है और ये भोजन की उच्च परंपरा है, पवित्रता है इसमें, शुचिता है। और बिल्कुल नंगे पांव जो गोटी है आप देखेंगे, ये विशेष रूप से नंगे पांव धोती लगाकर बनैन एक ड्रेस में सिविल कोड, जो एक कोड है उसका पालन किया गया है और ये हिमाचली धाम है। तो हिमाचल की ये सबसे बड़ी विरासत है, आप इसको चिंता रखिए, क्योंकि अभी बीच में लोगों ने इसको कंसेप्ट को बदलना भी शुरू किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धाम है ये बड़े अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, जीरो वेस्टेज होती है और इसको बनाने का भी एक तरीका है कि टेस्ट है। तो जाहू है, मंडी और हमीरपुर बिलासपुर इसका जो सेंटर है जाहू है और यहाँ पे आपको तीनों जिलों का की धाम के रूप में ये कल्चर जो है आपको दिखाई देगा। आप देखिए किस तरीके से ये रात्रि ही इसकी तैयारी कर ली गई थी, आप देखिए जो ये अब बनाने के लिए ये स्पेशल रूप से तैयार किया गया है, इसको भी पिछले 2 दिनों से तैयार किया जा रहा था, इसको शेड बनाया गया क्योंकि ये 8,000 से 10,000 लोगों के लिए ये धाम है और 95 जो ये सगले हैं जिसे बिल्टोही कहेंगे उसमें ये बनाई जाने, रात्रि के समय से ही ये क्रम शुरू हो चुका था, 4 बजे ये बनकर लगभग जो है वो काफी इसका डिशेज तैयार थी। 9 सब्जियां हैं, 9 डिशेज हैं और चावल हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एक कर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये हिमाचल की जो उच्च विरासत है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है और हिमाचल का कोई सानी नहीं है, भले ही इसमें एंट्री हुई है स्टैंडिंग खाने की, भले ही उसमें पनीर ऐड हुआ है, कई चीजें और हुई है, लेकिन ये चावल और उसके साथ 9 विभिन्न प्रकार की दालें जिनका अलग अलग टेस्ट होगा और एक एक चीज को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिलसिला है वो अलग है, वो भी दिखाएंगे आपको। और जो लोग यहाँ घर को ले जाना चाहते हैं उनके लिए पैकिंग का भी सिस्टम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए ये मीठा है और ये देखिए ये पूरे के पूरे लोग जो यहाँ पे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये एक आयोजन है, देखिए किस तरीके से बैठकर जो खिलाया जा रहा है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पंक्ति में बैठकर। और ये जो लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ये विशेष तौर पर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, एक ही जो ड्रेस है वो यहाँ पे आपको देखने को
मिल रही है। तो फिर से रसोई की तरफ से आपको लेके जाते हैं और ये देखिए, ये एक ये मीठा है और जो दालें हैं और ये देखिए, ये तमाम जो सगले और चावल हैं, ये सगले रखे हुए हैं। यदि जितने भी चावल अभी 40 मन यानी के करीब जो 8 से 10 क्विंटल चावल यहाँ पे बनेंगे, अभी ये प्रिपेयर यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको बनाया जाएगा ताजा फ्रेश, और एक एक व्यक्ति को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिलसिला है वो मौजूद है। तो ये बड़ी बात यह है कि ये जाहू है और सबसे बड़ी रसोई, हिमाचली रसोई, इसकी पवित्रता, शुचिता और इसको बनाने से लेकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर पूरे का पूरा एक सिस्टम है, एक तरीका है। और ये देखिए, एक ही ड्रेस कोड आपको यहाँ पे जो मिलेगा। तो ये जाहू की हिमाचली धाम है। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं हिमाचल की सबसे बड़ी धाम है ये बड़ी धाम, जहां पर रात्रि से ही ये तैयारी हो चुकी थी। 8 से 10 हजार लोगों के लिए ये भोजन यहां पे बना है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो काफी संख्या में लोगों को बुलाया गया है, आसपास के तमाम गांव के लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया है, इवन की दूसरे जिलों से भी लोग आए हैं, क्योंकि जाहू एक सेंटर है। तो मंडी के लोग भी हैं, बिलासपुर के लोग भी हैं, हमीरपुर के लोग भी हैं, यहाँ तक कुछ ऊना के लोग भी पहुंचे हैं। और फर्क यह है कि ऊना और मैदानी क्षेत्रों में जब हम पहाड़ी धाम करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है वो बहुत गड़बड़ा जाता है, उसमें जो बारी बारी जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है सब्जियां, उसको छोड़कर फटाफट 8 से 10 सब्जियां एक ही जगह जो डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सब्जी जब तक आपकी खत्म नहीं होती, एक डिश खत्म नहीं होती, एक दाल, मान लीजिए दालें हैं 5-6 प्रकार की दालें हैं, मीठा है, खट्टा है, उसमें हर फ्लेवर आपको मिलेगा, तो जायका मिलेगा और हिमाचल की जो आपको एक टेस्ट है वो मिलेगा। और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहुंचे हैं। तो हिमाचल की सबसे बड़ी रसोई, हिमाचल की सबसे बड़ी धाम, इसमें 4 जिलों का आपको फ्लेवर एक साथ जो मिलेगा, इसमें बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक सिस्टम फॉलो किया जाता है और उसी के तहत ये हिमाचली धाम जो है आपको अवेलेबल होती है। तो हिमाचली धाम से आपको रूबरू कराते हैं, सबसे बड़ी धाम है, आमतौर पर 400-500 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 1000 के लिए बनती है, लेकिन यहाँ पे 8 से 10 हजार लोगों के लिए ये धाम जो है वो तैयार की गई है। और इसमें 9 डिशेज हैं, चावल को छोड़ दे तो उसके साथ खाने के लिए 9 प्रकार की जो दालें हैं, सब्जियां हैं, वो आपको मिलेगी। सामने आपको मीठा दिखाई दे रहा है, ये देखिए जी, ये 9 प्रकार की है, क्या क्या बना है उसमें जी जी, यानी सारे जिलों का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला डिस्ट्रीब्यूशन का? शाम तक 7-8 बजे तक जी। तो ये देखिए किस तरीके से ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है। तो ये हिमाचल की सबसे बड़ी जो एक कल्चर है, एक पकवान है और पूरे देश में इसका विशेष तौर पर नाम है, पूरे देश में इसकी धूम है, हिमाचली धाम की धूम कहेंगे इसको। और ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा, भले ही आपको आजकल पिज्जा, बर्गर और विभिन्न प्रकार की जो अब फूड्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो हिमाचली धाम है उसका जो स्वाद है वो अलग है, फ्लेवर अलग है, इसकी इसका जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग है और इसका जो सर्व करने का तरीका है वो अलग है। तो ये एक विरासत है और इस विरासत को जिंदा रखे जाने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पे 8 से 10 हजार लोगों के लिए 95 से अधिक जो ये बनाने के लिए बिल्टोही है, सगले हैं, जिनका प्रयोग जो है वो किया गया है।
जी कमल भारद्वाज जी बोटी की भी वो आपको करवाते हैं। दीप कौन है? दीप जी नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। ये जो तैयारी है, धाम बनाई जा रही है, इसका मुखिया के तौर पर आप है, क्या नाम है जी आपका? आप कहाँ से शर्मा जी? जाहू से ही है। तो ये कितने लोगों जो इस खाने को खा सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो शुरू से लेकर अब तक कितने लोगों के लिए ये खाना है? 10-12 हजार लोगों का। तो ये